हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट फूड या मॉल में मिलने वाली रेसिपी जो बहुत ही आसान है बनाने में और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होती है। तो स्वीट कॉर्न की दो रेसिपी आज हम एक वीडियो में देखेंगे, मसाला स्वीट कॉर्न और स्वीट कॉर्न चाट। तो इस तरह की रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। कॉर्न की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप। आपको अगर फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रोजन स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक छोटा साइज का टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें, प्याज और लेमन, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया लिया है मैंने, बटर चाहिए हमें, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और ये काली मिर्च का पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक। अब सबसे पहले हमें करना ये है कि एक पतीला मैंने गैस पर रख दिया है और इसमें ऐड करूंगी पानी। अब मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ क्योंकि हमें जो स्वीट कॉर्न है उसे ब्लांच करना है। करीबन 4 से 5 मिनट तक इसे पानी में उबाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि जो स्वीट कॉर्न है नमक का टेस्ट इसमें अच्छे से उतर जाए। और अब इसमें ऐड करूंगी स्वीट कॉर्न्स, 1 टीस्पून ही नमक मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे एक बार चला लेते हैं और 4 से 5 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे और जब तक कि ये कुक होते हैं तब तक हम साइड में जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें कट कर लेंगे। चलिए अब हम प्याज, टमाटर, ग्रीन कोरिएंडर और हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसमें इस चाट को बिना प्याज के बना सकते हैं। अगर प्याज का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो प्याज को स्किप कर दीजिए, और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो हरी मिर्ची को भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ये जो मसाला स्वीट कॉर्न है या फिर स्वीट कॉर्न की चाट है, इसे आप एज अ टी टाइम स्नैक भी बना सकते हैं। शाम में छोटी मोटी भूख भगाने के लिए बहुत ही यम्मी रेसिपी है ये और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से अब मैं टमाटर को भी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो अब यहाँ पर हमारे जो स्वीट कॉर्न है ब्लांच होकर तैयार है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब आधे मैंने निकाल लिए हैं एक बाउल में क्योंकि हम पहले बनाएंगे मसाला स्वीट कॉर्न। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ बटर, और गरम गरम स्वीट कॉर्न के ऊपर बटर अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सभी मसाले। तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें मिक्सअप कर देती हूँ। सो लीजिए, यहाँ पर हमारा यमी यमी मसाला स्वीट कॉर्न खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही पेपर के ग्लासेस में जैसे कि हम जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं या फिर मॉल में हम इसे लेकर खाते हैं, तो ऐसे ही सर्व करूँगी। और वैसे भी बच्चों को स्ट्रीट फूड वाली रेसिपी ज़्यादा पसंद होती है तो उन्हें भी फीलिंग आएगा कि वो स्ट्रीट फूड से ही लेकर कुछ खा रहे हैं। तो अब मैं इसे इसमें फिलअप कर देती हूँ और अब इसी बाउल में मैं निकाल लेती हूँ बचे हुए स्वीट कॉर्न। तो अब हमें चाट वाली स्वीट कॉर्न बनानी है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्वीट कॉर्न है अभी भी बहुत गर्म है, इसमें से भाप निकल रही है। तो इसी वजह से हमने इसे पानी में से निकाला नहीं था, नहीं तो ये ठंडे हो जाते। और अब इन गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न पर भी हमें फिर से 1 टीस्पून बटर ऐड करना है। अब जब तक कि ये गर्म है तो ये जो बटर है इसमें अच्छे से मेल्ट होकर मिक्सअप हो जाएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। और अब इस पर भी हमें सभी मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और जो काली मिर्च पाउडर है, इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इस चाट के लिए काली मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और जो प्याज हमने काट कर रखा हुआ है उसे भी ऐड कर देंगे, लाल टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्ची, सभी को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। ग्रीन कोरिएंडर भी हमें इसमें ऐड करना है।
और अब हम इसमें सादा नमक भी ऐड करेंगे। पहले हमने जो मसाला स्वीट कॉर्न था उसमें सादा नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाला में नमक होता है और काला नमक भी हमने इसमें ऐड किया था, बॉईल करते हुए भी हमने नमक ऐड किया हुआ था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी स्क्वीज कर दूंगी। तो लीजिए, एक टीस्पून हमने इसमें नींबू का रस भी मिला दिया है। और अब ग्रीन कोरिएंडर ऐड करने के बाद हमारा स्वीट कॉर्न चाट भी बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और अब इस चाट को भी हम पेपर कप्स में फिलअप कर देते हैं उसी तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टेम्पटिंग रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे जल्दी से एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेट होकर मैं नई नई रेसिपीज अपलोड करती रहूं। तो खाइए, खिलाइए और हेल्दी रहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।